मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी पेड़ दिख जाए तो भागें और मदद के लिए चिल्लाएं। आइए आगे देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में 3 खरब प्रकार के पेड़ या पौधे पाए जाते हैं और इनमें से आज से कुछ दशक पहले हमारे साइंटिस्टों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने प्रकार के पौधे हैं। और ये बहुत अच्छी भी बात है क्योंकि पौधे और पेड़ हमारे लिए साफ सुथरे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारे पानी को साफ करते हैं, बहुत सी मदद करते हैं। गर्मियों के दिन में हमें ठंडी छांव प्रदान करते हैं, बरसात के दिन में हम उसके नीचे पर शेड में आ जाते हैं, तो ये सब बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं और इनसे बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक के देखें। कहीं ये पेड़ आपके पार्क में तो नहीं जहाँ पर आप घूमने जाते हैं या सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, या फिर आपके बगीचे में तो नहीं जहाँ पर आपके बच्चे खेलते हों। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप उनके बारे में जान सकें और उनसे बच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश और मॉडर्न बाबा के इस खतरनाक एपिसोड में आपका स्वागत है। खतरनाक इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ पेड़ के ऐसे लिस्ट हैं जो बहुत ही खतरनाक और आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, जो आप पे एसिड का रेन कर सकते हैं और जिनको छूने से आप कुछ समय के लिए अंधे भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला पेड़ हमारे पास जो है वो सैंडबॉक्स ट्री है। ये पहचानने में बहुत ही आसान होता है और इसके तने जो होते हैं वो कोन शेप्ड स्पाइक से कवर्ड होते हैं। देखा जाए तो इसका हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर इसके फल को आपने खा लिया तो आप में जो इंस्टेंट रिएक्शन दिखेगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और डायरिया होगा। और इसका फ्रूट जो होता है वो छोटा मिनी पम्पकिन की जैसा दिखता है। अगर ये फ्रूट पक जाए या काला हो जाए, मतलब थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद ये थोड़ा सा काला हो जाता है, और काला होने के बाद ये अपने सीड्स, अपने बीज चारों दिशा में 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकता है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है इसके आसपास भी घूमना आपके लिए। ये कुछ इस तरह होगा कि आपको कोई आके हर तरफ से गोली मार रहा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है चेरी और इस फैमिली के सारे प्रकार के पेड़। चेरी दिखने और खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही उसका पेड़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इस फैमिली में पीच, प्लम, एप्रिकोट और इस प्रकार के बहुत सारे और भी पेड़ आते हैं जो एक तरह के दिखते हैं। इसमें खास प्रकार का केमिकल पाया जाता है जो कि बाद में साइनाइड में तब्दील हो जाता है। और चेरी और इस प्रकार के इस फैमिली के और भी पेड़ बच्चों और पालतू जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है वो साइनाइड में तब्दील होता है। गिरे हुए पत्ते और सड़े हुए पत्ते में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि बच्चों और पालतू जानवरों में सबसे ज़्यादा फर्क डाल सकता है, क्योंकि नीचे गिरे हुए रहते हैं, बच्चे और जानवरों के रीच में ज़्यादा होते हैं। अगर खाने के बाद इसमें सबसे इंस्टेंट रिएक्शन देखना चाहें तो वो गलती से अगर किसी के मुंह में चला जाए तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर लो हार्ट बीट, लो पल्स रेट, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, इस तरीके का अगर कोई बीमारी दिख रहा हो तो तुरंत हेल्प के लिए कॉल करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बहुत खतरनाक तरीके से ये जानलेवा साबित हो सकता है। नंबर 3 पर हमारे पास है ओहायो बकाइट ट्री। देखने में जितना सिंपल होता है उतना है नहीं। ये पेड़ का हर एक पार्ट उस खतरनाक केमिकल से भरा होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। जनरली बच्चे और हमारे पालतू जानवर इसके फल से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसके फल छोटे छोटे और बहुत ही चमकदार ब्राउन कलर के होते हैं। अगर गलती से इन्होंने अपने मुंह पे इस फल को ले लिया तो हम इंस्टेंट रिएक्शन के तौर पर उन्हें बहुत तेज, बहुत ही खतरनाक तरीके से उल्टी और दस्त के रूप में देख सकते हैं। अगर हमारे घर के आसपास ये पेड़ मौजूद है और हम इसे अपने बच्चों और जानवरों से बचाना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि अगर जब भी हम वो फल गिरा हुआ देखें उसे साइड कर दें और इन्हें बच्चों और जानवरों के कॉन्टैक्ट में ना आने दें। 4th नंबर पर हमारे पास है एप्पल और क्रैब एप्पल ट्री। क्या आप एक सेब के पेड़ पर भरोसा करते हैं? वो बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है। ये किसी भी मैमल्स के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि चेरी के पेड़ में भी वही केमिकल्स होते हैं जो एप्पल के पेड़ में पाए जाते हैं, जो कि डाइजेशन के दौरान साइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जानलेवा साबित हो जाता है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। फिर से सड़े और गिरे हुए पत्तों में बहुत ही ज्यादा साइनाइड होता है। सबसे ज्यादा केमिकल तो एप्पल के बीज में होता है, जो कि हम आसानी से डेली 200 से 250 बीज खा सकते हैं अगर हम 20 एप्पल खाएं तो। ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि हम बीज नहीं खाते इसलिए हमको पता नहीं चलता। 5वें नंबर पर हमारे पास है सर्बेरा ओडोलम। इसको एक और नाम से जाना जाता है, द सुसाइड ट्री। जैसा कि इसके पेट नेम से हमें पता चलता है कि ये किसी की भी जान ले सकता है। इंडिया और साउथ एशिया,
में इसको कनेर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग तो इसे खाकर सच में अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। जो सुसाइड करना चाहते हैं वो इसे खाकर अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो इससे पेस्टिसाइड बनाती हैं। इंडिया में इसे ट्रेडिशनल रूप में भी देखा जाता है, जो कि महाशिवरात्रि और शंकर भगवान की पूजा में इसका फूल जो है या इसका फल जो है वो चढ़ाया जाता है। अगर देखा जाए तो ये फल जब पकता है तो ये छोटे आम की तरह बहुत ही चमकदार दिखता है। इससे हमें छूने से बचना चाहिए। तो छठवें नंबर पर हमारे पास है द मेंशनरी ट्री। जब भी हम अमेरिका जाएंगे बहुत सारे पेड़ ऐसे दिखेंगे जिसमें रेड कलर के मार्क्स लगे हैं और वहाँ पर साइन बोर्ड है। इसका दूसरा नाम है द डेथ ट्री। ये क्रिसमस ट्री के ही फैमिली का ट्री है जिसका फल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है, लेकिन ये उतना ही जहरीला भी है। इस ट्री का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा जहरीला है। इस पेड़ को छूने से उसमें एक फ्लूड लगा रहता है, उसके पूरे बॉडी में एक फ्लूड रहता है जो वाटर सोल्युबल होता है। अगर बरसात के दिनों में आप इस पेड़ के नीचे छांव में खड़े हो जाएं तो वह आपके हाथों को या आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आने से जलन पैदा कर सकता है बहुत ही तेज। और अगर इसके लकड़ी को अगर आप जलाएं तो ये आपके आंखों में उसके स्मोक से निकलने वाले धुएं से इरिटेशन पैदा कर सकते हैं या फिर आप कुछ समय के लिए अंधे हो सकते हैं। सबसे खतरनाक चीज आप जो इस पौधे के साथ या इस पेड़ के साथ कर सकते हैं वो ये है कि इसका फल खा सकते हैं। इसके फल खाने से अभी तक जहाँ तक पता चला है ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। वो इसलिए क्योंकि फल को खाने के बाद वो इतना ज्यादा डायरिया या वॉमिटिंग पैदा कर देता है कि हमारे शरीर में इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है कि वहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि इस पेड़ को काट क्यों नहीं देते, जब ये इतना खतरनाक है तो इसे हमारी प्रकृति से ही हटा देना चाहिए या फिर जहाँ पर लोग आसपास रहते हैं वहां से हटा देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इन पेड़ों को नहीं काटने की वजह ये है कि ये बीच वाले एरियाज में जो सॉइल इरोजन होता है उसको ये रोकता है, और ये पेड़ क्योंकि अच्छे हाइट के होते हैं ये हवाओं को काटने का भी काम करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपने इसी प्रकार के और भी पेड़ जो खतरनाक हो वो आपने देखे हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि उस कमेंट को देख के और भी लोग जो है वो सतर्क रह पाएं। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचे और वो भी इस बातों से सतर्क हो पाएं कि इस प्रकार के भी पौधे हमारे दुनिया में उपस्थित हैं। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।